गुड मॉर्निंग गाइस। और सुबह सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर रहे हैं गार्लिक ब्रेड और एक स्पेशल ऑमलेट के साथ। स्पेशल ऑमलेट नहीं, गार्लिक ब्रेड ही स्पेशल है। अनिर्बन फर्स्ट टाइम ट्राई करेगा। इसका टेस्टी अलग है। हेलो, सब लोग शुरू करो। हेलो अच्छा माँ बोशा से गानो देखी। गुड मॉर्निंग गाइस। वेदर आज अच्छा है पर मुझे लगता है बारिश होने वाला है। मुझे ना बारिश बहुत अच्छा लगता है, पर सैटरडे संडे को बारिश बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हम बाहर नहीं निकल सकते हैं ना। थोड़ा सा एक्चुअली पार्क भी चला जाए ना तो मन थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि देखो ये अभी लॉन्ग टाइम के लिए हो चुका है कि आपको घर पे रहना है, बहुत ही कम फ्रेंड्स से मिलना है, कहीं पे नहीं जा सकते हो, ये नहीं कर सकते हो और वेट करते रहो कि कब थर्ड वेव आ जाए। तो कुछ भी हो, ब्रेकफास्ट आज बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा हुआ था सच्ची में। मैं कभी आपके साथ ये जो मेरा फटाफट वाला गार्लिक ब्रेड का रेसिपी है शेयर करूँगी, बहुत ही टेस्टी बना था। और एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गई थी, वो इसीलिए मैं नेक्स्ट दिन आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल मैं आज बनाऊँगी पापड़ मच्छ। इतना बड़ा लंबा लंबा साइज़ का जो फिश होता है ना उसमें एकदम भी बोन्स नहीं रहता है। मुझे जो फिश में वो काटा मतलब बोन्स रहते हैं ना वो खाना पसंद नहीं। गले में मेरा एक बार चुभ गया था, उसके बाद से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं बनाऊंगी पापड़ फिश और मम्मी क्या बोले मोचा बनाना फ्लावर उसको काट रही है। आज बॉयल करके रखेंगे, कल या परसों बनाएंगे। थैंक्स टू बिग बास्केट ये हमें इधर मिलता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। मुझे बहुत दिनों से नहीं खाया, 5-6 महीने हो गया होगा। ये है पापड़ फिश जिसको नमक और हल्दी लगा के रख दिया था फ्रिज में, बहुत टाइम हो गया निकाल के रखा है। और ये है सनराइज शोशे पाउडर जिसमें थोड़ा सा ल्यूकम वाटर, थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के, एक पिंच नमक एक पिंच हल्दी डाल के मैं इसको भिगो के रखी थी। और पैन में चढ़ा दिया है सरसों का तेल। इस पैन में ना बहुत ही कम ऑयल में होता है, गर्म हो गया है तेल। ये मुझे बहुत डर लगता है, बहुत छींकता है। कितना कम ऑयल डाला था मैंने आप देख सकते हो, उसमें से फिश तो फ्राई ही हो गया। और मैंने ना यहाँ पे देखो ऑयल इतना रख भी दिया है ताकि ज़्यादा ऑयल हमें खाना ना पड़े। तो इसके अंदर अभी डायरेक्ट ये फिश जस्ट 5 मिनट में बन जाता है। इसमें मैं डाल दूंगी ये, दो मिनट हो गया है। आप देखो कितना अच्छा कलर आया है और ग्रेवी की काफ़ी थिक हो गया है। तो मैं अपना रेसिपी बताती हूँ कि मैं किस तरह से ये बनाती हूँ। तो इसमें ना मैं एक बड़ा चम्मच दही जिसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है वो डाल दिया है। और डाल दूंगी मैं थोड़ा सा चीनी, और इसमें मैंने ऑलरेडी नमक तो डाल ही दिया था इसीलिए और नमक नहीं डालूंगी। और मैं इसमें डाल रही हूँ स्प्लिटेड ग्रीन चिलीज। बस इसको और 2 मिनट कुक करूँगी। ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बना है और इसमें मैं अभी डाल दूंगी एक एक करके फिश। अगर आप बंगाली हो, वेस्ट बंगाल के बाहर रहते हो, तो आई एम श्योर आप लोग भी ये चीज़ एंजॉय करते होंगे कि आप लोगों को ना सब अलग मतलब कम्युनिटी के लोग आके बोलते हैं अरे यू आर बंगाली, आप लोग तो बहुत अच्छे फिश बनाते हो ना, यू आर बॉर्न टू ईट फिश राइट। तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, ऐसा लगता है कि यस इस इज़ अ मतलब ऑनर कि हम लोग फिश खाते हैं, फिश का अच्छा अच्छा रेसिपी जानते हैं। तो बंगाली लोगों का ना ये बहुत फेमस होता है शोरशे फिश। और आजकल तो शोरशे फिश बनाना और भी इजी हो गया है क्योंकि आपको पेस्ट करने की झंझट नहीं है। पहले तो हम क्या बोलते हैं शील लोना में करना पड़ता था, तो अभी तो सनराइज़ का शोरशे पाउडर मिलता है। तो सनराइज़ का शोरशे पाउडर मैंने कभी यूज़ नहीं किया, माना कि बहुत सालों से ही मिलता है, पर लास्ट टाइम मम्मी जी बोल रही थी, मेरी बड़ो माँ बोल रही थी, मामी बोल रही थी कि हाँ वो यूज़ करना क्यों बेकार, मिक्सी में पेस्ट करते हो। उसके बाद से मैं लेके आई हूँ। और मुझे ऐसा डर लगता था कि अगर वो कड़वा बन जाता है तो मुश्किल हो जाता, पर बिल्कुल भी कड़वा नहीं बना है, मैंने टेस्ट करके देखा है। ये आई एम सो हैप्पी, नेक्स्ट बहुत बार मैं शोरशे फिश बना सकती हूँ। बहुत सारा पाउडर लेके आई हूँ मैं।
गया है मेरा कुकिंग, और दाल है, कल का मम्मी राइस बनाएंगी, और मम्मी को मैं मोचा बाकी काट करके दे दिया है, वो बॉयल होने के लिए बिछा दिया है। अनिर्वान कपड़े धो रहे हैं, मतलब वॉशिंग मशीन से निकाल के वो हैंग कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा दुकान होके आती हूँ, अंडा वगैरह ख़त्म हो गया है वो लेके आती हूँ, उसके बाद हम दोनों थोड़ा सा निकलेंगे, ऐसा चक्कर लगा के आ जाएंगे। मैं यह कुछ दिन बाद बाद ही है ना जो मेरा घर का डेकोरेशन चेंज करना पसंद करती हूँ, सो देखते हैं इस बार मैंने क्या अच्छा अच्छा चीज़ लिया है। सो मैं सारे जो लिंक्स है ना इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो पहले मैं थोड़ा सा सैनिटाइज कर रही हूँ, उसके बाद ओपन करूँगी। हाँ ये बहुत अच्छा आया है। यो ड्रॉइंग रूम का थीम है वो व्हाइट एंड येलो पे करना चाहती हूँ, तो इसीलिए हर एक चीज मैंने उसी हिसाब से ऑर्डर किया है। नाइस ना, अरे क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है क्वालिटी। कितना आया एक सेट में? एक दो तीन चार पांच आया है। फिलहाल मेरे पास तो तीन ही कुशन है और दो मैं अरेंज करूंगी। ये एक्चुअली टोटल सेट है आई थिंक, जिनके पास वो 3+2 जो होता है ना उसके लिए, उसमें भी दो लगता है ना। ये क्या है देखो देखो, ये मुझे बहुत पसंद था। ये ना कुछ पेंटिंग है जो मेरी जो वॉच नहीं जो क्लॉथ है इसके नीचे का डिजाइन मैं चेंज करना चाहती हूँ। सो नाइस, वेरी गुड। वुडन है ना? वुडन है, कार्डबोर्ड आप बोल सकते हो, थोड़ा सा मोटा सा कार्डबोर्ड है। और इधर आओ मैं दिखाना चाहती हूँ ये जो चीज है ना। हाँ ये ग्लू है। हाँ ये ग्लू है, इस तरह से आप इसको निकाल के दीवार पे चिपका सकते हो। ये ट्रे है, इसको ना मैं डाइनिंग टेबल में रख सकती हूँ, इधर पे रख सकती हूँ, और नहीं तो किचन में भी यूज कर सकती हूँ। ये एक वुडन है, मुझे लगता है वो पेड़ का एक टुकड़ा होगा शायद, ऐसा देख के तो ऐसे ही लगता है, पता नहीं, पर ये वुडन है, काफी मोटा है, काफी थिक है, काफी भारी सा है, बहुत अच्छा है ये ट्रे, बहुत अच्छा है। चलो नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सा है ये मेरी प्लांट के लिए है, इसको मैं कैसे करूं? ये मतलब इसका फेवरेट वाला है अभी। हाँ। ओरे बाबा को तो विशाल विमा विमा काश। ये आएगा इस साइड पे, अभी सब करके देखते हैं कैसा लग रहा है।
अच्छी बात है कि इसमें चेन है और हमारा जो कुशन है वो 15 इंच बाई 15 इंच का कुशन है और ये भी वही साइज में है, मैंने देख के लिया था। यही जनरली साइज होता है कुशन का, नॉर्मल मैक्सिमम। हाँ, तो ये गया हमारा ये कॉर्नर। वाह, इट्स लुक सो नाइस ना। और ये ना आई थिंक 200 या 300 में आपको मिल जाएगा, इतना कम प्राइस में देख के लग रहा है। बोलो। नहीं नहीं, इसका 300 भी नहीं था शायद, 200 अप्रॉक्सिमेटली। आप देख लेना, सारे लिंक्स डाल दूंगी मैं। और ये हमारा व्हाइट के ऊपर व्हाइट है तो कैमरा में उतना अच्छा नहीं आ रहा है, पर ये बहुत सुंदर अच्छा है, बहुत बहुत कुछ 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 कुछ। और ये देखो हमारा कुशन अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ पे ये वाला जो ट्रे है, ये इसमें मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन किया है। ये अमेज़न में अवेलेबल नहीं है। ये है तो मतलब कस्टमाइज है। और इसमें मैं धीरे धीरे एक एक करके चीज़ें रखूँगी, पर ये बहुत ही सुंदर सा है। और ये वाला भी मैंने अमेज़न से लिया था, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। ये पहले का है, बट या इट्स लुक सो नाइस। मेहनत का फल, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। अगर तुम ये कहना चाहते कि मैं फैसला कर और मैं आदमी उम्र 50-55 6 फुट का 82 किलो वजन नीली आंखें कौन है से निकल जाते हो तो और बात है। क्या ये तो तुम्हें सबसे अच्छा। सो गाइस, मैं मेरा जो डेकोरेशन है इसका व्यू आपको नाइट मोड में दिखाती हूँ कि कितना सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर है ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मेरा न्यू डेकोरेशन बहुत अच्छा लग रहा था। अमेज़न में ना 10 तारीख तक ऑफर्स चल रहा है, अगर आप लेना चाहते हो तो इस डील में ले लेना। मेरा तो डील मिस हो गया है, पर मैं और भी कुछ चीज़ें ले रही हूँ। आपको जैसे पता है मैं एवरी मंथ अमेज़न से कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ और आपके साथ लिंक्स शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत पसंद आते हैं। मुझे ये रिसेंटली डेकोरेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली आप जिस घर में रहते हो ना, अगर थोड़ा बहुत आप चेंज करते रहते हो तो आपका माइंड जो है ना फ्रेश हो जाता है, पॉजिटिविटी आता है। सो अगर लाइक अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करना। बहुत मेहनत लगती है, बहुत ढूंढ के मैं खरीदती हूँ। सो इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ एक लाइक कर देना। और अगर नए हैं आप मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाना। बाय बाय, टेक केयर।